जिनके अकाउंट में 15,000 रुपए हैं और वो 15,000 रुपए उनको काट रहे हैं कि जल्दी से हमें खर्च करो। तो यहाँ पे आप जैसे किसी का भी प्लान है कुछ नया स्मार्टफोन खरीदने का तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए फिर चेकआउट करते हैं 5 स्मार्टफोन जो मैंने फिल्टर किए हैं 15,000 की कैटेगरी के अंदर अंदर। और आपके लिए एक नोट, ये वीडियो पूरी की पूरी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। अगर आपको फोन पसंद आया तो आप खरीदे, नहीं आया तो नहीं खरीदे, लेकिन मेरे को ब्लेम ना करें। यहाँ पे मुझे किसी भी कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया और ये वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है मेरे यूजर्स को, मेरे भाइयों को, आपको। शुरू करते हैं वीडियो, चेकआउट करते हैं वो 5 स्मार्टफोन जो 15,000 की कैटेगरी के अंदर है। और जो सबसे पहला फोन मैंने फिल्टर किया है वो है Redmi Note 9 Pro। भाई स्पेक्स देख लें क्विकली, तो इसके अंदर मिलता है आपको 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 2400x1080 फुल HD रेजोल्यूशन, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। बात करें प्रोसेसर की तो भाई Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर मिलता है यहाँ पे, और रैम मिलता है आपको 4 और 6 GB के वेरियंट में, रोम मिल जाता है 64 और 128 GB के वेरियंट में। उसके बाद भाई 5020mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी सपोर्ट के साथ, मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18W फास्ट चार्जर के साथ, जो कि अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर आती है। क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है यहाँ पर, 4 कैमरा मिलते हैं बिल्कुल आपको मक्खन मार के, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, मतलब क्वाड कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, मैक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरा चारों मिलके ऐसी कमाल की फोटो देंगे कि आपको लगेगा यार ये मैं ही हूँ क्या। भाई वीडियो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम पर सेकंड तक कर सकते हो 4K में, और उसके नीचे तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में है। और मुखौटा कैमरे की बात कर ले, मतलब फ्रंट कैमरा, तो वो मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, वाईफाई नॉर्मल वाला मिल जाता है, सारे बेसिक सेंसर मिल जाते हैं, और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे। ये पूरा पैकेज आपको 13,999 रुपए में मिलता है। स्पेक्स के अलावा बात करो तो फोन काफी अच्छा है Redmi की तरफ से, है तो एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड हो चुका है Redmi इंडिया में। पहला फोन ये है अगर आपको Redmi से कोई आपसी दुश्मनी ना हो तो। नंबर 2 पे आता है Realme 6। तो भाई Realme 6 का स्पेक्स देख लें जल्दी से ऑन पेपर, तो यहाँ पे 6.5 इंच का 90Hz डिस्प्ले मिल जाता है, 2400x1080 फुल HD डिस्प्ले, MediaTek Helio का प्रोसेसर मिल जाता है G90T, Realme ज्यादा करके MediaTek के प्रोसेसर ही यूज करता है। रैम यहाँ पे भाई 4, 6 और 8 GB के वेरिएंट में, और रोम जो मिल जाता है 64 और 128 GB का, 4300mAh की बैटरी मिल जाती है 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, टाइप सी की चार्जिंग कैपेबिलिटी मिलती है यहाँ पे। लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पे भाई बॉक्स के अंदर आपको 5W 6A का ही चार्जर मिलता है, आपको 30W का चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। कैमरे की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64MP AI क्वाड कैमरा मिलता है, प्लस 1MP अल्ट्रा वाइड लेंस होता है उसमें, उसके साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस होता है, और उसके साथ 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है। और यहाँ पे बात करें फ्रंट कैमरे की तो 16MP का फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी की बात करें तो भाई 2 SIM 1 MicroSD का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई ब्लूटूथ 5.0, और यहाँ पे रियलमी UI बेस्ड एंड्रॉइड 10 पे मिल जाता है आपको। प्राइस है 13,999, सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर आता है 15,000 के नीचे नीचे। अगर आप रेडमी का डाई हार्ड फैन नहीं हो, उससे दुश्मनी है, तो ये आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। भाई तीसरे नंबर पे जो मेरे पास फोन है आपके लिए वो है Vivo Z1 Pro। प्राइस जो है इस फोन का वो है 13,990 रुपए, मतलब अगेन 14,000 के अंदर अंदर है, 15,000 के अंदर है। 6.53 इंच का डिस्प्ले, 2340x1080 फुल HD का डिस्प्ले मिल जाता है, मतलब डिस्प्ले की बात करें तो सब में ऑलमोस्ट सेम है। भाई Qualcomm Snapdragon 712 का प्रोसेसर मिल जाता है AI मोड के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह मतलब काम आता है फोटोज वगैरह में। बात कर ले रैम और रोम की तो भाई रैम मिल जाता है 4 और 6 GB के वेरिएंट में LPDDR4, और रोम मिल जाता है यहाँ पे भाई 64 और 128 GB का, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है 18W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और बात कर ले कैमरा सिस्टम की तो भाई यहाँ पे आपको 3 कैमरा ही मिलते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप। लेकिन आप ये मत सोचो कि यार वहाँ पे 4 कैमरे, यहाँ पे 3 कैमरे, मतलब ज्यादा नंबर हमेशा अच्छा नहीं होता है। रियर कैमरे की बात करें तो 16+8+2MP का कैमरा मिल जाता है। जो बात कर ले यहाँ पे फ्रंट कैमरे की तो भाई फ्रंट का कैमरा आपको इनसे ज्यादा मिलता है 32 मेगापिक्सल का, लेकिन डिपेंड करता है बिकॉज जो बैक के कैमरा सेंसर्स है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू फ्रंट कैमरा। इसके बाद भाई ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलता है, फ्रंट टच OS 9.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 9 मिल जाता है। AI प्रोसेसिंग के साथ यहाँ पे इमेजेस वगैरह कन्वर्ट होती है, तो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट वगैरह उसमें देखने को मिलता है। अगले मॉडल पे चलते हैं जो कि है Realme 5 Pro। Realme 5 Pro की देख ले तो 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, 2340x1080p का रेजोल्यूशन मिलता है, प्रोसेसर भाई Qualcomm Snapdragon 712, अगेन दोबारा वही प्रोसेसर मिल जाता है जो
पीछे मिला था। रैम जो मिलता है 4/6 8GB का वेरिएंट में मिलता है। रोम जो मिल जाता है आपको 64 और 128GB का रोम मिल जाता है। बैटरी 4035mAh की मिल जाती है वो चार्जिंग के साथ। और यहाँ पे आपको लेकिन जो चार्जर मिलता है वो नॉर्मल आपको 5A वाला चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे USB Type-C का सपोर्ट है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा एसेसरी। भाई कैमरे में क्वाल कैमरा का सेटअप मिल जाता है रियर में, मतलब 48+1+2+2। और फ्रंट में बात कर लें तो 60MP का फ्रंट कैमरा 2.0 अपर्चर के साथ मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर रियलमी का और कोई वेरियंट भी देख रहे हो आप तो ये फोन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे जो प्राइस है इस फोन का भी 13,990 रुपए ही है, मतलब 15,000 के अंदर अंदर है। आप चेकआउट कर सकते हो और वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे फोन के लिंक डाले हैं, अलग अलग जाके आप चेक कर सकते हो इन फोन को। और भाई अपनी कैटेगरी में जो पांचवा फोन है और आखिरी फोन है 15,000 के नीचे का वो है सैमसंग का गैलेक्सी M30s। वैसे M30 नहीं कह रहा मैं, M30 15 के पार चला जाता है इसलिए M30s। तो 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है सैमसंग की तरफ से, जिसका जो रेजोल्यूशन है 2340x1080 फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद सैमसंग की अपनी सैमसंग एक्सिनोस 9611 की चिप आ जाती है जो कि स्पीड दे दी आपको 2.3 GHz की। रैम रोम का वेरिएशन देखे तो 4/64, 4/128 और 6/128। 6000mAh की बैटरी टाइप सी सपोर्ट के साथ मिलती है, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 48+1+5, 48 जो है मेन कैमरा आ गया, 8 जो है अल्ट्रा वाइड आ गया और 5 MP जो है वो बुके इफेक्ट वगैरह देने के लिए डेप्थ इफेक्ट कैमरा आ गया। 3 कैमरे आपको बैक में मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है 16 MP का। तो ये था इसका कैमरा सेटअप। और इसके अलावा बात कर लें तो यहाँ पर सारे बेसिक फीचर मिल जाते हैं, बेसिक सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। और इसमें ही नहीं, मैंने जो पहले 4 फोन बताए इसके अलावा उन सब में भी और उसमें भी सब में लगभग सेम टू सेम बेसिक सेंसर और फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 5 फोन के स्पेक्स बताने में ना मेरा जबड़ा हिल गया, बिल्कुल मुंह में दर्द हो गया। मेरी तरफ से ये थे वो 5 फोन आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको फोन पसंद आए होंगे। कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करो। सारे फोन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।